नमस्कार, आप सभी को ईद मुबारक। बॉलीवुड में ईद का मतलब है सलमान खान। जी हाँ, वैसे तो आज अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान रिलीज हुई है, लेकिन फिर भी फैंस को सलमान खान की कमी खल रही है। यही वजह है कि सलमान खान ने ईद के दिन अपने फैंस को ईदी दी है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के नाम का कर दिया है ऐलान। जी हाँ, सलमान खान सिकंदर बनकर बॉलीवुड पर करने आ रहे हैं राज। आपको बता दें कि सलमान खान ने हाल में ही अपनी फिल्म का ऐलान किया था, तब उन्होंने अपनी फिल्म का नाम नहीं बताया था। उनकी ये फिल्म ऐसी होगी जिसमें अब तक का सबसे बड़ा एक्शन वो करने वाले हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे ज़्यादा बजट की फिल्म होगी। इस फिल्म को उनके खास फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला बना रहे हैं। वहीं इसके डायरेक्टर होंगे AR मुर्गदॉस। आपको पता होगा उन्होंने गजनी जैसी फिल्म बनाई थी, उन्होंने हॉलीडे जैसी फिल्म अक्षय कुमार के साथ बनाई थी। साउथ के कई एक्टर्स का किस्मत उन्होंने चमकाया है और अब वो सलमान खान की किस्मत चमकाने के लिए आ रहे हैं। सलमान खान आजकल इसी फिल्म की शूटिंग में या कह सकते प्री प्रोडक्शन में बहुत बिजी हैं। फिल्म के लिए बॉडी बना रहे हैं, फिल्म की तैयारी चल रही है। आपको ये बताएं कि सलमान खान हर साल ईद पर अपनी फिल्में रिलीज़ करते हैं और ईद पर फिल्में रिलीज़ करके ही वो बॉलीवुड के सुल्तान बने हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी फिल्म है जो ईद पर रिलीज हुई और सलमान के करियर के लिए सबसे बड़ी वरदान बनी। तो आपको बताएं कि साल 2015 में सलमान खान ने बनाई थी बजरंगी भाईजान। जी हाँ, ये उनकी खुद के प्रोडक्शन की फिल्म थी। इस फिल्म को उन्होंने बनाया था सिर्फ 90 करोड़ में और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 990 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 315 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये बजरंगी भाईजान जो है सलमान खान के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इसके अलावा आप बता दें कि उनकी कई और फिल्में हैं जो ईद पर ब्लॉकबस्टर हुई और इन फिल्मों ने उनको बॉक्स ऑफिस का दबंग बनाया। तो वो कौन सी पहली फिल्म है जो कि उन्होंने ईद पर रिलीज़ की और वो फिल्म जो है उनके करियर के लिए वरदान साबित हुई? तो चलिए आपको बताते हैं। साल 2009 में उनका करियर बहुत डवाडोल चल रहा था। उस समय उन्होंने बोनी कपूर के साथ एक फिल्म साइन की थी, वांटेड। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आयशा टाकिया। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सलमान को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। जी हाँ, वांटेड साल 2009 में ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज डेट थी 18 सितंबर 2009। और आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत कम बजट में बनी थी। इस फिल्म में सलमान खान एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे। वांटेड में उनका ये डायलॉग बहुत हिट हुआ था कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता। सलमान का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया और वांटेड, जो कि ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म ने सलमान का करियर चमका दिया। जी हाँ, इससे पहले उनकी 4-5 फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लोग कह रहे थे कि सलमान खान खत्म हो गए, लेकिन वांटेड ने सलमान खान को एक चांस दिया। इसके बाद साल 2010 में आई उनकी फिल्म दबंग। ये फिल्म भी ईद के मौके पर आई थी। दबंग रिलीज हुई थी 10 सितंबर 2010 को और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 138 करोड़ की कमाई की। आपको बता दें कि ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे पहली 100 करोड़ वाली फिल्म थी। दबंग बनकर जब सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर आए तो बॉलीवुड में वो रातों रात नंबर वन स्टार बन गए थे। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म जब दबंग आई थी उस समय बॉलीवुड पर शाहरुख खान का राज था, लेकिन दबंग सिनेमा घरों में रिलीज हुई और फिर बॉक्स ऑफिस पर काबिज हो गए सलमान खान। जी हाँ, आपको बताएं, इस फिल्म ने 138 करोड़ का बिजनेस किया। 2011 में भी सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार किया। जी हाँ, उनकी फिल्म आई थी बॉडीगार्ड। ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी 31 अगस्त 2011 को। ये ईद का समय था और उनकी फिल्म आई थी। इस फिल्म में उनके साथ थी करीना कपूर और ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी और 148 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया और ये सुपरहिट रही थी। साल 2012 में भी सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्म लेकर आए थे। फिल्म का नाम था एक था टाइगर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2012 को और ये फिल्म 200 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस फिल्म ने 198 करोड़ का बिजनेस किया और एक था टाइगर सलमान खान की टाइगर 3 की फिल्मों की जो सीरीज़ है उसमें सबसे बेहतर फिल्म मानी जाती है। पहली बार वो जासूस के रोल में आए थे और लोगों ने उनको सिर आँखों पर बिठा लिया था। ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी। साल 2014 में सलमान खान किक लेकर आए। ये फिल्म साजिद नाडियाडवाला की थी। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की।
ये फिल्म आई थी 25 जून 2014 को और इस फिल्म ने 231 करोड़ की कमाई की थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साल 2015 में 17 जुलाई को सलमान खान की फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। इस फिल्म ने भी 315 करोड़ का बिजनेस किया और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये उनके करियर की जो तीन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं उनमें से एक है। साल 2016 में भी सलमान खान का जादू चला। ईद के मौके पर उनकी फिल्म आई सुल्तान। सुल्तान में उनके साथ थी अनुष्का शर्मा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 जुलाई 2016 को और इस फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था। साल 2017 सलमान के लिए थोड़ा सा फीका रहा क्योंकि उनकी फिल्म आई थी ट्यूबलाइट। इस फिल्म को बनाया था कबीर खान ने, जिन्होंने उनके साथ एक था टाइगर बनाई थी, लेकिन ट्यूबलाइट में सलमान खान का जादू नहीं चला। आपको ये बताएं कि ट्यूबलाइट ने 150 करोड़ तक की भी कमाई नहीं की थी। ट्यूबलाइट 119 करोड़ तक में सिमट कर रह गई थी। ये फिल्म 23 जून 2017 को रिलीज हुई थी। साल 2018 में सलमान खान रेस 3 में नजर आए थे। अफसोस, सलमान खान इस बार भी ईद पर अपना जादू नहीं चला पाए थे। सलमान खान की इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। ये फिल्म आई थी 15 जून 2018 को और इस फिल्म ने 166 करोड़ का बिजनेस किया था। ये सलमान खान के स्टारडम का असर था कि रेस 3 जैसी बेकार फिल्म ने भी 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। साल 2019 में सलमान खान की फिल्म आई थी भारत। फिल्म के डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर, साथ में थे उनके कटरीना कैफ और इस फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया था। ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी 5 जून 2019 को। भारत फिल्म भी इसलिए चल गई थी क्योंकि फिल्म में सलमान खान थे, नहीं तो ये फिल्म दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसके बाद एक साल कोरोना का रहा। 2020 के ईद पर उनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन 2021 के ईद पर वो राधे बनकर सिनेमाघरों में आए, लेकिन कोरोना की वजह से कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं गया। राधे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 13 मई 2021 को और कहा जाता है कि मुश्किल से 20 से 22 करोड़ रुपए इस फिल्म ने जो है सिनेमाघरों में कमाए, लेकिन ये फिल्म जो है सिनेमाघरों के साथ साथ Zee5 पर भी रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं सीधे सलमान खान ईद पर आए साल 2023 में। जी हाँ, 23 में किसी का भाई किसी की जान बनकर आए, लेकिन अफसोस 2023 में भी सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को निराश किया। ये फिल्म भी 118 करोड़ से ज़्यादा की कमाई नहीं कर पाई और सलमान की इस फिल्म को दर्शकों ने बुरी तरह से खारिज कर दिया। तो ऐसा है कि सलमान की फिल्म जो है कभी ईद पर सुपरहिट भी रही तो कभी उन्होंने सुपर फ्लॉप फिल्में भी दी। पिछले 3-4 सालों से उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा। यही वजह है कि सलमान खान ने जो एक बहुत सोच समझकर साउथ डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है। सिकंदर नाम की उनकी फिल्म आ रही है और उम्मीद है कि सिकंदर उनको बॉलीवुड का सिकंदर बनाने में कामयाब होगी।